हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेन एंड मार्टिन बुक की एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में। ग्रामर से रिलेटेड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और चाहे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो, चाहे बैंकिंग के एग्ज़ाम हो या फिर टीचिंग सेक्टर के एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड सेक्टर के एग्ज़ाम हो, इन सब में रेन एंड मार्टिन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मान सकते हो आप। एक तरीके से कह सकते हैं अगर रेन एंड मार्टिन बुक को कम्प्लीटली हम रीड कर लेते हैं तो अपनी जो ग्रामर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसी लिहाज से मैंने आज एक नई वॉल्यूम शुरू की है जिसमें जो रेन एंड मार्टिन की ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड। सब्जेक्ट का मीनिंग और प्रेडिकेट का मीनिंग समझना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। तो इनिशियली अगर किसी सेंटेंस को हमें डिवाइड करना हो तो हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट होता है क्या है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम प्रेडिकेट में कुछ कह रहे होते हैं। और सब्जेक्ट बना कौन सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। सब्जेक्ट का प्लेयर जो रोल करेगा वो होगा नाउन, या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है, या फिर वो नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर नाउन क्लोज हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं जिनमें नाउन की क्वालिटी होगी, केवल वही सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। हो सकता है ये काफ़ी डीप नॉलेज हो, परंतु आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज आपको सेंटेंस में इनिशियली दिखाई देता है और जिसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ कह रहे होते हैं तो वो 100% ही सब्जेक्ट है। फिर आगे आते हैं हम प्रेडिकेट की तरफ। तो प्रेडिकेट जो होता है वो जनरली वर्ब से शुरू होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। अगर ये चीज़ें इंक्लूडेड है उस सेंटेंस में तो इन सब चीज़ों को हम प्रेडिकेट मानते हैं। तो सिंपल सी जो चीज़ है समझने वाली वो इतनी सी है कि जो सेंटेंस होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम प्रेडिकेट में कुछ कहते हैं, और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। तो एक दूसरे से ये एक दूसरे के क्या हो गए, रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर इंग्लिश में हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच वी से समथिंग इन द प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट क्या हो गया, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। चलिए हम इसको एनालाइज करते हैं पूरी एक्सरसाइज को। फर्स्ट है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अगर हम ट्रिक देखें तो सेव्ड जो है वो वर्ब है, और सेव्ड जो वर्ब है उसके बाद का जो पोर्शन होगा वो पूरा पूरा प्रेडिकेट होगा, और हम बातें किसके कह रहे हैं, द कैकलिंग ऑफ गीज ये नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। तो सब्जेक्ट हो गया द कैकलिंग ऑफ गीज और सेव्ड रोम हो गया है यहाँ पे प्रेडिकेट। फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम प्रेडिकेट में कुछ कहते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे केकलिंग ऑफ गीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और बचाया किसने इन रोम को, केकलिंग ऑफ गीज ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया है, और वर्ब के बाद का जो पोर्शन होगा सेंटेंस में वो प्रेडिकेट हो जाएगा। जनरली ऐसी स्ट्रक्चर्स हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही देख सकते हैं, और बेसिक पैटर्न्स में ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय सब्जेक्ट हो गया है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये प्रेडिकेट हो गया है। द बॉय सब्जेक्ट है और स्टूड वर्ब है, वर्ब का रिमेन वर्ब के बाद में जो भी पोर्शन होगा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, तो ट्यूबल केन जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और वॉज अ मैन ऑफ माइट ये प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वॉज अ मैन ऑफ माइट किसको कह रहे हैं, ट्यूबल केन के बारे में कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। स्टोन वॉल्स सब्जेक्ट हो जाएगा, और डू नॉट मेक ए प्रिजन, डू देखना वर्ब है, और इसके बाद का जो पोर्शन होगा सेंटेंस का वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस।
द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये इसका सब्जेक्ट है और डिलाइट्स अस ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। डिलाइट वर्ब है, वर्ब के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। डिलाइट कौन करता है, खुश कौन कर देता है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी ये इसका सब्जेक्ट है और वॉज रूड, वॉज वर्ब है, इसके बाद वाला जो पोर्शन होगा इसको इंक्लूड करते हुए प्रेडिकेट हो जाएगा। ही हैज़ गुड मेमोरी, तो ही सब्जेक्ट हैज़ गुड मेमोरी, ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स सब्जेक्ट है और ग्रो वर्ब आ गया है, तो बैड हैबिट्स सब्जेक्ट हो गया, ग्रो वर्ब है, वर्ब के बाद वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स अराउंड द सन जो है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज सब्जेक्ट, इज द बेस्ट फिजिशियन इज प्रेडिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है या फिर वो नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लोज, तो ये चार ही ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। और प्रेडिकेट में हम देखते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। नेचर सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट फिजिशियन प्रेडिकेट हो गया, एडिसन सब्जेक्ट है, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ये वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब के बाद वाला पोर्शन प्रेडिकेट होता है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है इसमें। द सी सब्जेक्ट हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स, हैथ प्राचीन इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रेजेंट में हैज, सी सब्जेक्ट हो गया, हैज मैनी थाउजेंड सेंट्स ये इसका प्रेडिकेट हो गया है। 13th क्वेश्चन, वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, वी सब्जेक्ट है, कैन नॉट वर्ब से शुरू हो रहा है, कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई ये इसका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट बोरोड गारमेंट्स सब्जेक्ट, नेवर फिट वेल ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। देखना नेवर जो है वो एडवर्बियल है और एडवर्बियल को हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्रेडिकेट वाले पोर्शन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, अर्ली बर्ड सब्जेक्ट हो गया है, कैचेज द वर्म ये हो जाएगा प्रेडिकेट। 16th ऑल मैटर इज इंडिस्ट्रिक्टेबल, तो ऑल मैटर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा इसका, इज इंडिस्ट्रिक्टेबल जो है वो इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। इंडिस्ट्रिक्टेबल का मीनिंग होता है जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता हो। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद सब्जेक्ट है और इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये इसका प्रेडिकेट है। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, इस्लामाबाद के बारे में, इस्लामाबाद क्या है प्रेडिकेट, सॉरी इस्लामाबाद क्या है, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल है, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, तो यहाँ पे इस्लामाबाद जो है वो नाउन है और नाउन जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। 18th क्वेश्चन, वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, वी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है यहाँ पे, और शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर से देखा है यहाँ पे इस्लामाबाद नाउन था, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे वी प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो आपको नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज प्रोनाउन यही देखने को मिलेंगे जब आप सब्जेक्ट की ओर देख रहे होते हैं। ऑल रॉड्स लीड टू रोम, ऑल रॉड्स सब्जेक्ट हो गया है और लीड टू रोम ये इसका प्रेडिकेट हो गया है। लीड वर्ब है, वर्ब के बाद में रिमेनिंग जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, इस चीज़ को हम अच्छे से जान चुके होंगे शायद। अ गिल्टी कॉन्शस नीड्स नो एक्सक्यूज, अ गिल्टी कॉन्शंस, तो कॉन्शस जो है वो ये हेडवर्ड हो गया है, गिल्टी इसका प्रीमोडिफायर है, ए इसका प्रीमोडिफायर है, तो ये पूरी नाउन फ्रेज है और नाउन फ्रेज जो है वो किसका रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, सब्जेक्ट का। नीड्स नो एक्सक्यूजेज, नीड यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे देखना नीड जो है वो मॉडल नहीं है, तो ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्यूटी रेनबो, ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, द ब्यूटीफुल रेनबो ये नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, सून फेडेड अवे ये प्रेडिकेट है, सून यहाँ पे एडवर्बियल है, फेडेड अवे ये पूरी पूरी वर्ब फ्रेज है, ठीक है,
तो ये पूरा पूरा क्या हो गया है, प्रेडिकेट हो गया है। और इस फ्रेज को देखना, द ब्यूटीफुल रेनबो में, रेनबो जो है वो हेडवर्ड है और रेनबो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ब्यूटीफुल, तो ये इसका प्री मॉडिफायर हो गया है। और द जो है वो डिटर्मिनर है, ये भी किसके बारे में आया, रेनबो के बारे में, कोई पर्टिकुलर रेनबो के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी इसका प्री मॉडिफायर हो जाएगा। प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर और हेडवर्ड मीन्स जो ये स्ट्रक्चर आती है MHM की, वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जामिनेशन के लिहाज से अच्छी रहती है, मीन्स इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन सब्जेक्ट, कैन वर्ब आ गई है, वर्ब के बाद वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। ए सिक रूम सब्जेक्ट हो गया है, शुड बी वेल एयर्ड, ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि ये रिमेनिंग पोर्शन है इस सेंटेंस का जिस जो सिक रूम के बारे में बता रहा है, मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको कंप्लीट करता है, वो प्रेडिकेट वाले पोर्शन में आ जाता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। ड्यू ड्रॉप्स जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और ग्लिटर इन द सनशाइन ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स या लर्नर्स, आज हमने देखा है कि जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, मीन्स पार्ट, यहाँ पे ध्यान रखना पार्ट वर्ड यूज़ किया है, सेंटेंस के काइंड्स यूज़ नहीं किए। काइंड्स जो होते हैं वो चार होते हैं रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग, और कई बुक्स में हमें पांच भी दिखाई देते हैं, परंतु अगर पार्ट पूछे जाएँ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ ए सेंटेंस, तो वहाँ पे दो ही पार्ट होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस बोलते हैं। Thanks for watching this video.